डी स्टूडेंट्स नैनो स्केल मटीरियल एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नैनो स्केल मटीरियल में मायनर लेवल पे स्मॉल स्केल पे बहुत छोटे लेवल पे माइनो टेक्नोलॉजी माइनो स्केल्स नैनो स्केल्स को हम लोग स्टडी करते हैं अब यहाँ पे ये एक अलमिया है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नैनो स्केल मटीरियल को डील नहीं करते इसको हम लोग टेक्निकली डी स्टूडेंट्स देखते हैं नैनो ये कुछ डेफिनेशन हैं जिनको देखना और जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल नैनो पार्टिकल्स क्या होता है आ क्लासिफिकेशंस ऑफ अल्ट्राफाइन पार्टिकल विद लेंथ इन टू डायमेंशन ग्रेटर दैन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन माइक्रोमीटर अगर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन माइक्रोमीटर से लेंथ किसी पार्टिकल की ज़्यादा है तो वो हमारा नैनो पार्टिकल की डेफिनेशन में स्टैंड करेगा नैनो स्ट्रक्चर्ड

वन एंड हंड्रेड नैनोमीटर अगर कोई टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास अप्रोक्सीमेटली उसकी एक या एक से ज़्यादा डायमेंशन एक से लेके हंड्रेड नैनोमीटर के बीच में स्टैंड कर रही है तो वो नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट होगी फाइन पार्टिकल अल्ट्रा फाइन पार्टिकल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि पार्टिकल रेंजिंग इन साइज फॉर पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली ज़ीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन माइक्रोमीटर अगर कोई पार्टिकल 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.001 माइक्रोमीटर के बीच में आता है तो वो हमारे लिए अल्ट्राफाइन पार्टिकल है कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड्स तो ये स्टूडेंट्स ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं जो हैजर्ड्स पैदा होती हैं वो इस पॉइंट की वजह से पैदा होती हैं हर बंदे को काम करने के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं दी जाती वर्किंग कंडीशन प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता कन्फाइंड स्पेस नहीं दी जाती उस वजह से वहाँ पर हैजर्ड्स पैदा हो जाती हैं अ कन्फाइंड स्पेस इज एनी एरिया विद लिमिटेड मीन्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट दैट इज़ लार्ज अनफ फॉर द पर्सन टू फिट इन टू बट इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर आकोपेंसी ये एक एरिया है जिसमें मैं खड़ा हूँ मेरी यहाँ मूवमेंट हो सकती है फरीली तो इसका ये मतलब है कि ये कन्फाइंड स्पेस मेरे लिए अनफ है यहाँ पर एंट्री और एग्जिट रीजनेबल है जब आपको एंट्री और एग्जिट रीजनेबल नहीं मिलेगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन सकते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन कन्फाइंड स्पेस स्टैंडर्ड्स बिल्कुल हैं उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है शट डाउन इक्विपमेंट टेस्ट द एटमोसफेयर वेंटिलेट द स्पेस रेस्क्यू सोनल स्टैंड मेंटेन कम्युनिकेशन यूज आ लाइफ लाइन इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाना इंपॉर्टेंट है अगर इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा तो इसका ये मतलब है कि हम लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन की जो कन्फाइंड स्पेस हैजर्ड्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे दीज आर पिक्टोरियल इफेक्ट्स सेफ्टी नेट जी टी लैंड सर्वेयर फेयर दीज आर दिक्टोरियल इफेक्ट्स नेक्स्ट फर्दर पिक्टोरियल इफेक्ट्स एस टी एम ट्वेंटी वन हंड्रेड डिटेक्शन डेवियन दीज आर बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्रोड्यूसिंग दिस

How much हाउ room is in the confined space? And last, what if the victim needs first aid before he or she can be moved? अगर important ये चीज़ को देख लिया जाए जो सबसे अहम है last point वो ये है कि जब भी कोई hazards पैदा हो जाए या कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए या employee को किसी किस्म की प्रॉब्लम हो जाए इंजरी हो जाए तो क्या उस जगह पे environment में फ़र्स्ट एड की सहूलत मौजूद है अगर फर्स्ट एड की सहूलत मौजूद है जो कि होनी भी चाहिए इम्प्लाई को फर्स्ट एड देने के बाद वहाँ से मूव करके किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइज जगह पर लेके जाना चाहिए इसकी मदद से आप लोग रेस्क्यू प्रेपरेशन को अडॉप्ट करके काफ़ी हद तक हैजर्ड्स को प्रिवेंट और कंट्रोल कर सकते हैं